हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है क्लॉक नेम से। आप सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको प्लस का एक आइकॉन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आप अपने अलार्म को कोई भी टाइम सेट कर लेंगे। टाइम सेट करने के बाद यहाँ से आप सेट कर लेंगे कि आप अपना अलार्म कौन से टाइम में लगाना चाहते हैं, एएम में या पीएम में, इस तरह से। फिर यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिला था रिपीट का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना सेट कर लेंगे कि आप अपना अलार्म कौन से डेज में लगाना चाहते हैं, संडे, मंडे, ट्यूजडे या तो फिर ओल्ड डेज, आपको जो भी लगाना है। तो फ्रेंड लगाने के बाद में ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलार्म साउंड का, तो यहाँ से आपको अलार्म साउंड पर क्लिक करना है। अलार्म साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको काफ़ी सारे अलार्म साउंड देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वाइब्रेट का, इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लेवल का, लेवल पर क्लिक करेंगे। लेवल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने अलार्म का नेम डालना है, जो भी आप अपने डालना चाहते हैं कि आप अपना अलार्म किस चीज़ के लिए लगाना चाहते हैं। नेम डालने के बाद में यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको राइट का एक टिक देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप इसको ऑन कर देंगे। इस तरह से ऑन करने के बाद में यहाँ से फिर आपके फ़ोन में अलार्म सेटिंग हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।